बारिश आते ही जहरीले कीड़ों के काटने से मौतों की घटनाएं सामने आने लगती हैं। ऐसे में जरूरत है बारिश के सीजन में सावधान और सतर्क रहने की। ताजा मामला रायबरेली जिले के तुंडेली गांव का है, जहां गांव के अंदर कोठरी में रखे बक्से में पैसे निकालने गए एक 14 साल के बच्चे को सांप ने डस लिया, जिसके बाद बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े और बच्चे को अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूंक कराते रहे, जहां आराम न होने के बाद बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन समय अधिक बीत जाने के चलते बीच रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। हमारे भाई के सांप ने काट लिया, खेत में थे सब कोई पूरा परिवार, इन्होंने वहां से वापस आए खेत से, बोले कि हम जा रहे हैं घर, घर से आए, घर में अंदर कमरे में से पैसा निकालने गए, तीन बार सांप लिपट लिपट के काट लिया पैर में, चिल्ला के भागे, देखा चिल्ला के भागा बड़ी जोर से, आधे धंधे गए कुछ दूले गे पड़े तो गांव के लोग बताए, बोले पूछे कहा हुआ, बताए कि जो है सांप ने काट लिया, तो भी गाँव वाले ने हम लोग को खबर दिया यहाँ लोग, फिर उसके बाद रसूलपुर ले गए गाँव के लोग, हम लोग नहीं पहुंच पाए, पीछे को बाद में गए तो वहाँ बच्चा हमारा सही था भाई हमारा, बोला था बोला भैया, पूछा कहा हुआ तो गई भैया पैसा निकाले गए ना अंदर से, सांप काट लिया तीन बार लिपट लिपट के, उसके बाद तीनिक देर बाद वहाँ नौला रहे थे बाबा, आवाज बदल गई, उन्होंने पूछा हमसे कि जो है इसके पहले इसी तरह बोल रहे थे, हमने कहा नहीं अभी इसी वक्त कहीं इसको तुरंत ले जाओ बछरावा, बछरावा लेके गए वहाँ तो सांस चल रही, रास्ते में भी होश हो गए, वहाँ ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लगाने के बाद कुछ देर बाद हाथ पैर डुलाए, उसके बाद यहाँ से बछरावा से रिफर कर दिए रायबेली लेके गए, रायबेली से पहले ही